हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रदीप सेमवाल। आज आपके लिए लेके आए एक और आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी। ये मेडिसिन आप लोग मोस्टली यूज भी करते होंगे, बट सही तरीका क्या है, किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको दूंगा पूर्ण जानकारी। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी नई वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। तो गाइस शुरू करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन मार्केट में किस नाम से आती है और किस तरीके से आपको इसका यूज करना है, तो बने रहे इस वीडियो के मेरे साथ। दोस्तों आज मैं जिस मेडिसिन की आपको जानकारी दूंगा, उस मेडिसिन का नाम आपने देखा भी होगा मार्केट में, बहुत जगह यूज भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो इस मेडिसिन का नाम है ली 52। अलग अलग फॉर्म में आती है, डीएस में ली 52, प्लेन टैबलेट ली 52 सिरप फॉर्म में। तो अलग अलग प्रकार से लोग इसका यूज करते हैं। मोस्टली क्या है, जो ये मेडिसिन है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और मार्केट में ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। बात करना चाहूँगा इस मेडिसिन के यूज़ करने से पहले, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस मेडिसिन का यूज़ करें, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव है और मोस्टली लीवर की जो प्रॉब्लम होती है, लीवर के प्रॉब्लम में इसका मुख्यतः यूज़ किया जाता है। बिना डॉक्टर की सोल्यूशन से आप इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। देख सकते हैं आप इस प्रकार से इसकी पैकिंग आती है, ये सिरप फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी, जैसे ही भी आपको उचित लगे उस हिसाब से इसकी फॉर्म जो है मार्केट में आसानी से इसमें मिल जाती है। जो कि देख सकते हैं ये 200 ml का आता है ली 52 बड़ा, उसके बाद आता है ये भी 200 ml का, इससे छोटा आता है 100 ml का, और ये टैबलेट फॉर्म में आता है ली 52 DS और ली 52 प्लेन। 100 100 टैबलेट इनके अंदर, ली 52 DS में 60 टैबलेट होती है, ली 52 में 100 टैबलेट होती है। इस प्रकार से इसकी मार्केट में जो है ये आपको आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, बट इसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का यूज ना करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये लीवर से संबंधित बीमारी के लिए मुख्यतः इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि लीवर में इनडाइजेस्ट होना और लीवर की बहुत सारी समस्या, जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है या फिर जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उसकी वजह से लीवर क्या डैमेज हो जाता है, तो उनके लिए ये मुख्यतः यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसका काफ़ी लंबे समय तक इसका उपचार, मतलब मेडिसिन को लेना पड़ता है जब जाके अपना अच्छा रिजल्ट दिखाती है, और बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे अल्कोहलिक लीवर होता है जिनका, फैटी लीवर होता है, इनडाइजेस्ट सिस्टम है जिनका, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए बेहतरीन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है। बात करना चाहूँगा लीवर में उचित काम का, क्यों ये अच्छे से जो खाना है उसको डाइजेस्ट करती है, और जो जिनका दुबला पतला शरीर होता है उनको वजन को क्रिएट करने में भी इसका मुख्य योगदान होता है, ठीक है। ये क्या है, जो बीमारियाँ होती है लीवर की, उनमें उनको उनसे लड़ने के लिए ये एक अच्छा आयुर्वेदिक का एक सोर्स है। बात करना चाहूँगा इसके अंदर जो मुख्यतः जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं आयुर्वेदिक के, देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर जो मुख्य इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने बताऊँगा, ये है कॉपर बसु, जिसको हिंसा बोलते हैं, या इसका बॉटेनिकल नेम कैपरिसा स्पेनोस है, ठीक है। बात करना चाहूँगा इसमें दूसरा जो मुख्य इंग्रेडिएंट है चिकोरी, इसको कसानी या इसको बॉटेनिकल नेम जो है सिचोरियम एंटीवस भी बोलते हैं, और जो तीसरा इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट है काका माची, या इसका बॉटेनिकल नेम जो है सोलनम निग्रिम है, ठीक है। चौथा जो है अर्जुना, ये इसको बॉटेनिकल नेम टर्मिनियल अर्जुना, ये इसमें मुख्य जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप ये जो इसके मुख्य इंग्रेडिएंट, एक लीवर का जो टॉनिक होता है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि लीवर से ही हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में रहती है। और लीवर क्या है, अगर लीवर में लीवर सही नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल में भी फ्लक्चुएट हो सकता है, और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहेगी, बहुत सारी परेशानी रहेगी, पेन रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, बहुत सारी दिक्कतें लीवर की वजह से हो सकती है, तो इसलिए लीवर से संबंधित क्या है, कोई भी खान पान हो, कोई भी टॉनिक हो, तो आप लें उसको और अपने लीवर को अच्छा बनाएं, क्योंकि लीवर सही रहेगा तो पूरी बॉडी लीवर पे ही डिपेंड रहती है। तो इस सिरप का जो मुख्य उपयोग होता है, लीवर की जो समस्याएं होती है, जैसे लीवर किसी का बैठ जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, या फिर किसी का इनडाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम रहता है, बहुत लंबी टाइम से कोई बीमारी चल रही है उसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है। जिनको भूख कम लगती है, डाइजेस्ट सिस्टम दिक्कत रहती है, खटड़ा रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सिरप बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आयुर्वेदिक है। बाकी बात करूँ इसके कुछ साइड इफेक्ट के, तो अभी तक इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। यदि आपके लगता है कि कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जिन डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो डॉक्टर उस कंडीशन में आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है।
और बाकी कुछ टिप्स हैं इसके जो कि ड्रिंक के साथ यानी शराब के साथ ही इस मेडिसिन का यूज ना करें। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि गर्भवती महिला इस मेडिसिन को ले सकती है, तो बिल्कुल इसमें ऐसे कोई वो नहीं है कि जो गर्भवती महिला के लिए कोई दिक्कत रहेगा, क्योंकि ये अच्छा होता है और मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लीवर में हार्मोन्स को या एंजाइम्स को ये है क्या अच्छे से ग्रोथ करता है और आपके लीवर के सिस्टम को जो है बहुत बढ़िया रखता है। तो यदि आपको और जानकारी लेनी लेनी है इससे संबंधित, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कमेंट्स में और लिख सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर अधिक जानकारी दूंगा। बाकी करूँगा बात करूँगा इसकी रेट की, तो ये ली 52 डीएस की जो है 60 टेबलेट जो अभी मार्केट रेट जो 170 रुपये का है, ली 52 का मार्केट रेट है, देख सकते हैं आप 100-150 रुपये का मिलेगा। और मोस्टली क्या है इन मेडिसिन का यूज़ जिम वाले लोग भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, तो इनडाइजेस्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या इस मेडिसिन का यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस मेडिसिन को किस प्रकार से इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।